हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर। आप देख रहे हैं एग्रो बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई जानकारी के साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फॉगर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, फॉगर सिस्टम सिर्फ डेयरी फार्म में ही नहीं लगाया जाता है, मुर्गी फार्म में भी लगाया जाता है और कई जगह लगाया जाता है। तो फॉगर में भी बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के आते हैं। तो अभी जो डेयरी फार्म में अभी जो फॉगर ये लगा हुआ है, तो इसका क्या बेनिफिट है और इसकी क्या क्या अच्छाई है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही दिखाना चाहता हूं आपको कि पूरा स्टार्टिंग से कि कहां से ये फॉगर स्टार्ट होता है और कहां पर एंड होगा जाकर। सबसे पहले देखिए कि ये एक टंकी लगा हुआ है, या टंकी में आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे, यहां पर एक पाइप डाला हुआ है। तो ये पाइप से, टंकी से इस पाइप में पानी आएगा और यहां से होते हुए एक यहां पर आप ये लंबा सा जो आप देख पा रहे होंगे इसको, इसे हम बोलते हैं फिल्टर। यानी कि जो वाटर टंकी से इसमें आ रहा है उसको ये फिल्टर करेगा, क्योंकि पानी में कचरा वगैरह जो भी है तो इस पाइप के अंदर ना आए और ये ब्लॉकेज का सिस्टम ना बन पाए। तो इसके वजह से यहाँ पर एक फिल्टर लगाया जाता है। तो ये फिल्टर में पानी आया और उसके बाद फिर ये देखिए फिल्टर में यहाँ पर एक लगा हुआ है पाइप। ये पाइप ये सीधा यहाँ से खींचेगा, ये मोटर लगा हुआ है। इस फिल्टर में से ये मोटर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। तो खींचने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अडैप्टर लगा हुआ है और साथ में एक मिलता है यहाँ पर टाइमर। इसका बहुत फॉगर में टाइमर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब फॉगर आपको चलाना है, कब बंद करना है, ये आपके ऊपर एक मैनुअली नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसके लिए टाइमर का उपयोग होता है। इसमें टाइमर में आप देख पा रहे होंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये देखिए डिजिटल ऑन ऑफ टाइमर है, यानी कि इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना है। एक बार आप सिस्टम को सेट कर दीजिए फिर ऑटोमेटिक उस पर वो वर्क करने लग जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन टाइमर, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ टाइमर, ये दो टाइमर लगा हुआ है, यानी कि इसमें सेट किया हुआ है। अभी रेड लाइट आप देख पा रहे होंगे 10 मिनट पे ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर पे क्या लगा हुआ है 1 मिनट। ऑफ टाइमर यानी कि कितना देर हमारा फॉगर बंद रहेगा और ऑन टाइमर मतलब कितना देर चालू रहेगा। तो यहाँ पर सेट किया हुआ है 10 मिनट ऑन रहेगा, उसके बाद फिर जाके 1 मिनट बंद हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट बंद होगा फिर 10 मिनट चलेगा, फिर 1 मिनट बंद होगा फिर 10 मिनट चलेगा। उसको सेट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, दो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इससे आप इसको सेट कर सकते हैं। मिनिमम कितना है, 1 मिनट तक चला सकते हैं, 10 मिनट तक बंद रख सकते हैं, 10 मिनट तक चला सकते हैं, 1 मिनट तक बंद रख सकते हैं। इस टाइमर में इतना सेट किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से मोटर से पानी सीधा देख पा रहे होंगे आप ऊपर की ओर, यहाँ से पूरा सिस्टम लगा हुआ है और सीधा ये आगे तक जाता है। तो दिखाता चलूँ, ये जो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है ये इसका ज्वाइंटर है, यानी कि पाइप को ज्वाइंट करने के लिए। अगर पाइप आपका कहीं से कट जाता है या फिर आगे बढ़ाना है या कम करना, तो यहाँ पर एक ज्वाइंटर लगा हुआ है। इस ज्वाइंटर की मदद से हेल्प से इसमें आगे कंटिन्यू पाइप हो सके। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि फॉगर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल यहाँ से दो लाइन में लगाया हुआ है, यानी कि एक लाइन ये और एक लाइन ओ, तो यानी कि टोटल 19 इसके अंदर ये सेट किया हुआ है। यहाँ हम आपको नज़दीक में वहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए अभी 10 मिनट चालू हुआ और उसके बाद ये बंद हो गया। तो पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए नज़दीक से देख लीजिए, यहाँ पर ये है और ये लगा हुआ है। इसमें से आप एक छोटा सा सुराख देख रहे होंगे, यहाँ से पानी आता है और वो भी फॉग के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट वाटर नहीं आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो ये टोटल 19 लगा हुआ है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन मोटर के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि मोटर का आपका कितना HP का है, उसके ऊपर से डिपेंड करेगा। ज़्यादा लेंथ कर देंगे तो उतना अच्छा फॉग बना नहीं पाएगा। तो ये पूरा सिस्टम लगा हुआ, इसका फ़ायदा क्या है, अभी ये ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा किस तरीके से ये ज़्यादा बेनिफिट है। पिछला वाला जो हमारे पास में था, इसका आप वायर देख सकते हैं ये कितना पतला है, और पिछला वाला फॉगर का आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए पिछला बार जो फॉगर लगा था, ये पाइप है, इसी पाइप में हमने इसको साथ में एडजस्ट कर दिया है। तो ये देखिए पिछला वाला कितना मोटा पाइप है और ये कितना पतला पाइप है, आप देख सकते होंगे। तो ये है, तो इसका ये बेनिफिट बहुत ही बढ़िया है। अभी इसको ऑन होने देखता हूँ, ऑन होने के बाद में किस तरीके से ये फॉग बनाता है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका फॉग दिखा रहा हूँ, किस तरीके से ये फॉग इतना ज़बरदस्त और मस्त बनता है। क्यों मस्त है ये फॉग, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अच्छा फॉग क्यों है। ये देखिए आपको मैं सब दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए इसका फॉग भी बन रहा है। ये देखिए ये फॉग जो हो रहा है
ये जो बन रहा है ये अच्छा क्यों है, ये देखिए इतनी हाइट पे लगाया हुआ है, यानी कितना, ये 5 फीट के हाइट पे लगाया हुआ है अभी। तो ये फॉग जो है ये सिर्फ जाके आपको एनवायरमेंट में ही रहेगा, ये फॉग इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो फॉग जो बन रहा है ये आपको सिर्फ जाके ये जितना भी सरफेस के ऊपर में है ये सिर्फ इतने को ही कवर कर रहा है। और ये देखिए आपका ये जो जमीन है हमारा ये कहीं भी भीगा नहीं मिलेगा, यानी कि फॉग से भीग नहीं पा रहा, यानी पानी पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है, यानी कि सिर्फ जाके जानवर के बदन तक ही लगेगा और उसका आपका सरफेस जो है ये पूरा क्लीन रहेगा, यानी कि ये भीगेगा भी नहीं। क्योंकि सरफेस अगर भीग जाएगा तो फिर गाय को नुकसान करेगा या फिर किसी चीज को भी नुकसान करेगा। तो सरफेस ना भीगे, सिर्फ फॉग एनवायरनमेंट को ठंडा करे, यानी कि जो हवा है, हवा तो इतने ऊपर से ही लगता है ना, तो हवा को सिर्फ ठंडा करे तो ऐसा फॉग होना चाहिए। तो ये फॉग बिल्कुल ऐसा ही है। पिछला वाला फॉग क्या था कि पूरा सरफेस को भिगो देता था, पूरा चप चप हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर मुझे ठंड लग रहा है, चेहरे पे लग रहा है, बदन पे लग रहा है, बट मेरे पैर एकदम अच्छा है, सूखा हुआ है, यानी कि पूरा भीग नहीं रहा। तो ये फॉग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इस तरीके का फॉग लगवाएं आपको, क्योंकि आपका फार्म भी भीगे नहीं, सूखा रहे और आपका जानवर भी ठंडा रहे। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। तो इस जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तो प्लीज डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये फॉगर सिस्टम आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।